आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ खीरी गुर्दे कलेजी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल है इसे बनाने में, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये गरम मसाले लिए हैं मैंने, ये ऐड कर देने हैं हमें एक कढ़ाई में। और इसे ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और बिल्कुल बारीक बारीक ने काट लिया था, वो भी हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ही तेल का इस्तेमाल करेंगे हम। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। जब लाइट सा कलर आ जाएगा प्याज के अंदर, जब हमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, तो बस लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लेंगे। और बस जब लहसुन अदरक भुन जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और बस इसे भी भून लेंगे थोड़ा सा। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मसाले। ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे, और 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे हम धनिया पाउडर। और बस मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें, और बिल्कुल मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। मसाले का अच्छा से कच्चा पानी निकल जाना चाहिए। तो देखिए मसाला भुन चुका है, तो बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये कलेजी गुर्दे। और पहले इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और इनकी जो ऊपर की स्किन है वो भी निकाल ली है। विनेगर में हम इसे भिगो कर रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। नमक और विनेगर के पानी में इन्हें भिगो देंगे ताकि इनकी जो अच्छी सारी गंदगी है वो बिल्कुल सही से निकल जाए। और फिर अच्छे से कई बार वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं मसाले में। तो बस अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और बस अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक के कलेजी अच्छे से गल नहीं जाती। तो देखिए 20 मिनट बाद मैंने खोल लिया है, तो खीरी गुर्दे अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब जो पानी है उसे अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल सुखा लेंगे। और अब इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम कसूरी मेथी, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और बस एक बार मिक्स कर लेंगे और बस ये बनकर तैयार है। तो बस अब एक बार मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ये रेडी है। तो बस अब हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी इसमें अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो। और बस ये बनकर तैयार है। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में ज़्यादा जल्दी बनेगी, लेकिन मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है। आप जिसमें चाहें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस ये बनकर रेडी है, तो बस अब इसे सर्व कर लेते हैं। और इजी सी गुर्दे कलेजी की रेसिपी बनकर तैयार है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।